बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट। अमेजिंग प्लैनेट, अमेजिंग हैरानकुन या शानदार, प्लैनेट सियारा यानी हैरानकुन सियारा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि प्लैनेट यानी सियारा क्या है। हम किस प्लैनेट पर रहते हैं? हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ पर। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी, ये है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। सन के सामने सबसे पहला प्लैनेट मौजूद है मरकरी, फिर वीनस, फिर मौजूद है अर्थ जिस पे हम रहते हैं, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून एंड प्लेटो। तो ये टोटल प्लैनेट्स हैं 9। सबसे पहले मौजूद है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून एंड प्लेटो। हम मौजूद हैं प्लैनेट अर्थ पर। ये लेसन अमेजिंग प्लैनेट, ये है उस प्लैनेट के बारे में जिस पे हम रहते हैं यानी अर्थ के बारे में। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसी पेज पर नीचे देख सकते हैं, आपको एक सीनरी दी हुई है। हर तरफ ग्रीनरी मौजूद है। यहाँ पर है माउंटेन्स, ट्रीज, यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ये रिवर है, नीचे कुछ फ्लावर्स हैं और यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन माउंटेन्स पर स्नो यानी बर्फ भी है। तो ये खूबसूरत पिक्चर आपको दी गई है हमारे प्लैनेट अर्थ से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46 की तरफ। लेसन को स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखिए। नीचे आपको पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट एनिमल्स दिख रहे हैं। ये है रैबिट, ये है रोस्टर, ये है कैट, ये है डॉग, इसके अलावा बर्ड्स, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, यहाँ पर मशरूम्स भी दिख रहे हैं। ये एक पार्क की पिक्चर है, यहाँ पर बेंचेस भी मौजूद हैं। अब इस पिक्चर के बारे में रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हैं, हैविंग फन, मज़े कर रहे हैं, एंड इंजॉइंग और लुत्फानंदोज होना द प्लेजेंट वेदर, खुशगवार मौसम से। कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं खुशगवार मौसम से, यानी इस पिक्चर में हमें प्लेजेंट वेदर, खुशगवार मौसम दिखाया गया है। व्हेन द वेदर स्टेज, जब वेदर यानी मौसम रहता है फॉर अ सर्टन पीरियड, एक खास वक्त के लिए, इट बिकम्स अ सीजन, तो ये मौसम बन जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उस खास इलाके का। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आज गर्मी है यानी आज का वेदर गर्म है, कल ठंड थी यानी कल का वेदर ठंडा था, तो ये एक दो दिन की बात नहीं है। जब एक ही मौसम एक लंबे अरसे तक किसी खास इलाके में रहता है तो वो वहाँ का मौसम बन जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में मई से लेकर सितंबर तक गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन होता है। इसी तरह अप्रैल में स्प्रिंग सीजन होता है। यानी यहाँ पर बात की गई है पर्टिकुलर टाइम की, कि एक ख़ास वक्त के लिए जब एक मौसम ठहरा रहता है तो वो वहाँ का सीज़न बन जाता है। दीज सीजन्स, ये मौसम और वेदर कंडीशंस या ये मौसमी हालात मेक अप द क्लाइमेट, ये उस जगह की आबोहवा बनाते हैं। डिफरेंट सीजन्स, मुख्तलिफ मौसम, हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, उनमें मुख्तलिफ अनासर मौजूद होते हैं टू बी ऑब्जर्व्ड, जिनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम समर सीज़न की बात करें तो उसमें गर्मी होती है, उसके अपने पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं,
इसी तरह अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो ठंड होती है, उस सीजन के अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, यानी इनके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा सीजन्स के बारे में कि जब किसी खास इलाके में लंबे अरसे तक एक खास मौसम रहता है तो वो वहाँ का सीजन बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान में मई से सितंबर तक गर्मी होती है यानी समर सीजन रहता है, अप्रैल में स्प्रिंग सीजन रहता है। तो हमने बात की सीजन्स के बारे में, हमने इस पिक्चर को देखा जहाँ पर प्लेजेंट वेदर दिखाया गया है और प्लेजेंट वेदर की वजह से सब खुश हैं। अब चलते हैं नीचे, लेट्स टॉक के पोर्शन को रीड करते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज योर एरिया हैव, और आपके इलाके का मौसम यानी वहाँ की आबोहवा कैसी है। क्वेश्चन किया गया है कि आप कहाँ पर रहते हैं और उस इलाके की आबोहवा कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है, वाई, क्यों, उसकी वजह भी बतानी है कि आपको वो मौसम क्यों पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू गो ऑन वेकेशन इन समर, क्या आप गर्मियों में वेकेशंस यानी छुट्टियों पर जाते हैं यानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इज इट द राइट सीजन टू स्टे होम, या फिर ये घर पर रहने का सीजन है यानी घर पर रहना ठीक रहता है, या आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू शिफ्ट वेकेशंस टू एनी अदर सीजन, वाई, अब यहाँ पर बात की गई है आपके स्कूल वेकेशंस यानी स्कूल की छुट्टियों की, कि आपकी छुट्टियाँ जिस सीजन में होती है क्या वो छुट्टियाँ ठीक हैं यानी उस सीज़न में छुट्टियाँ होनी चाहिए, या आप उन छुट्टियों को किसी और सीज़न में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट, हैरान कौन सियारा। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग से पहले देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज योर एरिया हैव, और आपके इलाके में किस किस्म की आबोहवा है यानी वहाँ का मौसम, वहाँ की आबोहवा कैसी है। आई लिव इन स्वात, मैं स्वात में रहती हूँ, एंड इट हैज़ अ कूल एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, और वहाँ की आबोहवा ठंडी और खुशगवार है। I live in Swat and it has a cool and pleasant climate. मैं स्वात में रहती हूँ और यहाँ की आबोहवा ठंडी और खुशगवार है। Next question, which season do you like the most? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है? Why? क्यों? I like spring the most. मुझे सबसे ज़्यादा बहार पसंद है because क्योंकि It's when flowers bloom. क्योंकि ये वो वक्त होता है जब फूल खिलते हैं। बर्ड्स सिंग, परिंदे गाते हैं यानी वो चहचहाते हैं। एंड द वेदर बिकम्स, और मौसम बन जाता है वार्मर, गर्म, आफ्टर द कोल्ड विंटर, सर्दियों की ठंड के बाद मौसम गर्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने 3 बातें की हैं कि मुझे बहार का मौसम इसलिए पसंद है क्योंकि इस सीज़न में फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, और मौसम गर्म हो जाता है सर्दियों की ठंड के बाद। आई लाइक स्प्रिंग द मोस्ट बिकॉज इट्स व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, बर्ड्स सिंग, एंड द वेदर बिकम्स वार्मर आफ्टर द कोल्ड विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू गो ऑन वेकेशन इन समर, क्या आप गर्मियों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इज इट द राइट सीजन टू स्टे एट होम, क्या ये घर पे रहने का ठीक मौसम है। यस, I go on vacations in summer. जी हाँ, मैं गर्मियों में घूमने फिरने के लिए जाती हूँ। It's a good time. ये अच्छा वक्त होता है to travel, सफ़र करने के लिए, and explore new places. Explore कहते हैं जांचना, यानी पहली मर्तबा किसी चीज़ को देखना, उसको परखना। New places, नई जगह,
Yes, I go on vacations in summer. जी हाँ, मैं गर्मियों में घूमने फिरने के लिए जाती हूँ. It's a good time, ये अच्छा time है to travel, सफर करने के लिए and explore new places, और नई जगह देखने के लिए. Last question, do you want to shift vacations to any other season? Why? कि क्या आप अपनी छुट्टियाँ किसी और सीजन में शिफ्ट करना चाहते हैं? Why? क्यों? I live in Swat, मैं Swat में रहती हूँ and it's a winter zone. और ये ठंडा इलाका है, यानी यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है. We have severe weather here. यहाँ पर मौसम शदीद होता है, यानी जब ठंड होती है तो बहुत ज्यादा ठंड होती है. So it's good to have winter vacations. तो अच्छा है कि हमारी सर्दी की छुट्टियाँ होती है. यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है विंटर जोन. विंटर जोन, समर जोन, ये दो जोन्स हैं पाकिस्तान में. कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, और कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है. तो हमारा इलाका विंटर जोन में आता है. यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती, बल्कि सर्दियों की छुट्टियाँ लंबी होती है, दिसंबर टू फेब्रुअरी. तो आंसर हमने रीड किया दैट आई लिव इन स्वात एंड इट्स अ विंटर जोन. वी हैव सीवियर वेदर हेयर, सो इट्स गुड टू हैव विंटर वेकेशंस. कि हमारा इलाका विंटर जोन में आता है, यहाँ पर सर्दी शदीद होती है, तो इसलिए सर्दियों की छुट्टियाँ ही बेहतर है. यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इलाके के क्लाइमेट के बारे में. इनके आंसर्स को हमने रीड किया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47 की तरफ. आई एम द अर्थ, मैं हूँ जमीन. अर्थ वो प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं. ये एक पोएम है जिसका टाइटल है आई एम द अर्थ, मैं हूँ ज़मीन. इसके पोइट का नाम एनोनिमस, यानी नामालूम है, यानी ये मालूम नहीं है कि ये पोएम किसने लिखी है. इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस. प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं. टू क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोल्यूशन, यानी आलूदगी क्या है. क्वेश्चन नंबर टू, डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन, क्या आप अपने स्कूल और अपने घर को साफ रखते हैं. क्लीन यानी साफ. इनके आंसर को रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोल्यूशन, आलूदगी क्या है. व्हाट इज पोल्यूशन, आलूदगी क्या है. आंसर, व्हेन एवर एयर, जब हमारी हवा, वाटर पानी, एंड लैंड और ज़मीन गेट्स डर्टी, जब गंदी हो जाए फ्रॉम थिंग्स, उन चीज़ों से, लाइक ट्रैश, जैसे कि गंद यानी कूड़ा क्रिकेट, एंड स्मोक और धुआं, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. तो इसको आलूदगी कहते हैं कि जब हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी ज़मीन कूड़ा क्रिकेट और धुएं से गंदी हो जाए तो उसको आलूदगी कहा जाता है. वेन एवर एयर, वाटर एंड लैंड गेट्स डर्टी फ्रॉम थिंग्स लाइक ट्रैश एंड स्मोक, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर टू है डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन, क्या आप अपने स्कूल और घर को साफ रखते हैं. तो इसका आंसर आप लिखिए Yes, I keep my school and home clean. अब यहाँ से हम पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है I am the earth, मैं हूँ ज़मीन, और इसके टाइटल का नाम एनोनिमस, यानी नामालूम है. नहीं मालूम कि ये नज़म किसने लिखी है. I am the earth, मैं हूँ ज़मीन. I am your home, मैं आपका घर हूँ. But you destroy, लेकिन आप तबाह कर रहे हैं. डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना. माई स्किन, मेरी खाल यानी चमड़ा, एंड बोन्स और मेरी हड्डियाँ. बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ कर देता हूँ. एंड आई फॉरगेट, और मैं भूल जाता हूँ. एंड लेट यू लिव, और आपको जीने देता हूँ. लिव यानी जीना. बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस है. ये हमने रीड किया स्टेंजा नंबर वन, जिसमें टोटल वर्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने फर्स्ट स्टेंजा में रीड किया अर्थ के बारे में, जिसमें अर्थ कह रहा है दैट आई एम द अर्थ, कि मैं ज़मीन हूँ.
मैं तुम्हारा घर हूँ, लेकिन तुम मुझे तबाह कर रहे हो, मेरी खाल और मेरी हड्डियाँ तबाह कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और भूल जाता हूँ, और तुम्हें इस ज़मीन पे रहने देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है। इस स्टैंजा में अर्थ हमें अपनी पैथेटिक कंडीशन के बारे में बता रहा है कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, और वो हालत किसकी वजह से ख़राब हुई है, वो हमारी वजह से ख़राब हुई है। आई एम द अर्थ, आई एम योर होम, बट यू डिस्ट्रॉय माई स्किन एंड बोन, बट आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट एंड लेट यू लिव, बट आई रिग्रेट। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर टू की तरफ। डू यू रियलाइज, क्या आपको एहसास है? आई एम योर ओनली होप, कि मैं आपकी वाहिद उम्मीद हूँ, यानी आपका वाहिद सहारा हूँ। सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप, तो सुस्त खड़े मत रहो। आई नीड सेविंग, मुझे तहफ्फुस चाहिए, मुझे हिफाजत चाहिए। इट्स अप टू यू, ये तुम पर मुनसिर है। दिस इज़ वॉट आई नीड यू टू डू, और मैं चाहता हूँ कि आप यही करें। आप क्या करें? आई नीड सेविंग, कि आप मेरी तहफ्फुस करें, आप मुझे बचाएं। जो गंदगी आप इस ज़मीन पर फैला रहे हैं उसको मत फैलाएं, बल्कि मुझे सेव करें, मुझे तहफ्फुस दें। ये हमने रीड किया स्टेंजा नंबर टू, जिसमें अर्थ ने अपनी आप बीती सुनाई है। इसमें अर्थ यानी ज़मीन ने इंसानों से कहा है कि मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ, सुस्त मत खड़े रहो, बल्कि मुझे बचाओ, मेरी हिफाजत करो। डू यू रियलाइज आई एम योर ओनली होप, सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप। आई नीड सेविंग, इट्स अप टू यू, दिस इज व्हाई आई नीड यू टू डू। लास्ट स्टेंजा, नो मोर प्लास्टिक, मज़ीद प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें। एंड नो मोर वेस्ट, और मज़ीद मुझे गंदा मत करें। बिकॉज आई एम फेडिंग, क्योंकि मैं मुरझा रहा हूँ। एट अ फास्ट पेस, तेज़ी से, यानी तेज़ रफ्तारी से मैं मुरझा रहा हूँ। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। आई नीड केयर, मेरी देखभाल करें, मेरी हिफाजत करें। बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि आप मेरी हवा को आलूदा कर रहे हैं। तो लास्ट स्टैंजा में हमने रीड किया कि अर्थ ने इंसानों से कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और मज़ीद गंदगी ना फैलाए, क्योंकि प्लास्टिक के इस्तेमाल से और गंदगी के फैलाव की वजह से अर्थ बहुत तेज़ी से मुरझा रहा है। अर्थ को ज़रूरत है प्यार और मोहब्बत की, हिफाजत की, देखभाल की, क्योंकि यहाँ की हवा आलूदा हो चुकी है। नो मोर प्लास्टिक, नो मोर वेस्ट, बिकॉज आई एम फेडिंग एट अ फास्ट पेस। आई नीड लव एंड आई नीड केयर, बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर। तो ये हमने पोएम रीड की, जिसका टाइटल है आई एम द अर्थ, मैं हूँ ज़मीन, जिसमें हमने ज़मीन की आपबीती सुनी कि ज़मीन ने इंसानों से फरियाद की है कि इंसानों ने उसको तबाह कर दिया है, उसमें आलूदगी फैला दी है, और इंसानों से दरख्वास्त की है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करें और मज़ीद गंदगी ना फैलाएं, बल्कि ज़मीन को प्यार मोहब्बत दें और उसकी हिफाजत करें। अब इस पोएम को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। आई एम द अर्थ, आई एम योर होम, बट यू डिस्ट्रॉय माई स्किन एंड बोन, बट आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट एंड लेट यू लिव, बट आई रिग्रेट। डू यू रियलाइज आई एम योर ओनली होप, सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप। आई नीड सेविंग, इट्स अप टू यू, दिस इज व्हाट आई नीड यू टू डू। नो मोर प्लास्टिक, नो मोर वेस्ट, बिकॉज आई एम फेडिंग एट अ फास्ट पेस। I need love and I need care because you are polluting my air. While reading का question दिया हुआ है, इसको read करते हैं। While reading questions ऐसे questions होते हैं जिनके answer हमें lesson की reading के दौरान देने होते हैं। Can you guess the meanings of the words regret and fading? यहाँ पर हमें two words दिए गए हैं, regret and fading। इनके meanings हमें लिखने हैं। First word है regret। English meaning है इसका रिपेंट, यानी शर्मिंदा होना। सेकेंड वर्ड है फेडिंग, इंग्लिश मीनिंग है इसका डिक्लाइन, यानी जवाल या मुरझाना।
पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के बाद देने होते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली क्या है? डिस्कस बहस करें। व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज? मौसमियाती तब्दीली के वजूहात क्या हैं? शेयर योर ओपिनियंस, अपनी राय का इजहार करें। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? मौसमियाती तब्दीली क्या है? क्लाइमेट चेंज इज व्हेन द वेदर गेट्स डिफरेंट। मौसमियाती तब्दीली है जब मौसम बदल जाए, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास इलाके में, ओवर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के बाद। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में मई से सितंबर तक गर्मी होती है, अब अचानक से मई और सितंबर में ठंड हो, सर्दियां आ जाए, तो ये है क्लाइमेट चेंज। यानी एक लंबे अरसे तक किसी इलाके में जो मौसम है वो अचानक से तब्दील हो जाए, इसको मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज इज व्हेन द वेदर गेट्स डिफरेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज? मौसमियाती तब्दीली की क्या वजूहात हैं? द रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज इंक्लूड। मौसमियाती तब्दीली की वजूहात में शामिल है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, इंडस्ट्रियल गैसेस, सनतों से खारिज होने वाला धुआं, पोल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज, सनतों से और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। क्लाइमेट चेंज हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये हमारी ज़मीन को तबाह कर रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, बेवक्त बारिशों का होना, सैलाब का आना, ये सब क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है, यानी मौसमियाती तब्दीली है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की रीजंस में हमने पढ़ा, रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल गैसेस, पोल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज। यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन एंड होते हैं। तो यूनिट नंबर 5 में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम को रीड किया जिसका टाइटल है आई एम द अर्थ। इस पोएम में जमीन, अर्थ यानी वो सियारा जिस पे हम रहते हैं, वो अपनी फरियाद कर रहा है इंसानों के सामने कि मैं तुम्हारा वाहिद सियारा हूँ, मैं तुम्हारा घर हूँ, लेकिन तुम मुझे तबाह कर रहे हो। मैं भूल जाता हूँ और तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तुम्हें इस ज़मीन पर रहने देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात पर कि फिर भी तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरी देखभाल नहीं करते। तो इसमें हमारे लिए एक लेसन भी है कि हमें अपनी ज़मीन को गंदा नहीं करना चाहिए, इसमें आलूदगी नहीं फैलानी चाहिए, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए जिससे हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल, जंगलात का कटाव, फैक्ट्रियों से निकलने वाला ख़तरनाक धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला ख़तरनाक धुआं, वगैरह वगैरह। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारे अर्थ, हमारे ज़मीन में मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।